अन्नदाता का उपवास। किसान आंदोलन के समर्थन में आज से रायपुर में क्रमिक अनशन धरना स्थल पर बैठेगा किसान मजदूर महासंघ। मुगेली में भीषण हादसा, हाईवा और बुलेरो में हुई भिड़ंत, 6 लोग हुए घायल, ड्राइवर की हालत नाजुक, हाईवा की ठोकर से घर भी हुआ ध्वस्त। कवर्धा के धर्मपुरा विवाद के जल्द सुलझाने के बढ़े आसार, गुरु बालक दास समेत सकामी समाज के धर्म गुरुओं और महंतों के साथ अकबर की लंबी चर्चा। मुगेली कलेक्टर ने की विभिन्न धान खरीदी केंद्रों के लिए नियुक्त, जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों और धान खरीदी प्रभारियों की बैठक लेकर धान खरीदी कार्यों की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक होगा 17 दिसंबर, छत्तीसगढ़ के दोनों छोरों पर पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली की शुरुआत आज से, राम वन गमन पथ पर अनुसरण करेगी रैली। छत्तीसगढ़ में मौसम दिसंबर से पहले पखवाड़े में कम ठंड का रिकॉर्ड, 18 दिसंबर से राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार। रायपुर में शादी चोर गैंग सक्रिय, होटल के शादी समारोह में सूट में घुसा चोर, दुल्हन के गहने पर किया हाथ साफ, मामला हुआ दर्ज। राजधानी रायपुर में कोरोना, जिले में 22,000 से ज्यादा मरीज घर में स्वस्थ, होम आइसोलेशन से हॉस्पिटल में 400 से भी कम हुए शिफ्ट। रायगढ़ जिले में राहत की बात, 42 फीट चौड़ा होगा हाईवे, 201 किलोमीटर लंबी 3 सड़कों पर खर्च होंगे 750 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में सीसीटीवी पर कैद हुए चोरों की हरकत, रात को दुकान के सामने खड़े पिकअप वाहन को ले गए चोर, मामला हुआ दर्ज। रायगढ़ जिले में विडंबना, सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा, वहां 3 महीने बाद भी नहीं भरे गए अमृत मिशन के गड्ढे, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। छत्तीसगढ़ पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन, रायपुर हवाई अड्डे से राजीव भवन तक स्वागत का रेला, जाम सड़कों को खुलवाने पुलिस के छूटे पसीने। किसान आंदोलन पर आमने सामने भाजपा कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कल से भाजपा समझाएगी नए कृषि कानूनों के फायदे, कांग्रेस बोली इनसे रहे सावधान। बीजापुर में नक्सलियों का हमला, नक्सलियों ने 2 जेसीबी जला दी, इलाके में नेट कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट का काम रोकने का प्रयास। रायपुर में इंसानियत शर्मसार, नाले से बरामद किया गया नवजात बच्ची का शव, सीसीटीवी फुटेज के जरिए फेंकने वाले की तलाश जारी।